हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रीतीज गार्डन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेसिना प्लांट या ड्रैगन ट्री की केयर के बारे में। ये जो प्लांट हैं, ये ड्रेसिना प्लांट की वैरायटियां हैं। ड्रेसिना की काफ़ी वैरायटियां नर्सरी में अवेलेबल रहती हैं। ये मेरे पास ड्रेसिना महात्मा, ड्रेसिना विक्टोरिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, ड्रेसिना माइजोर और ड्रेसिना मार्जिनेटा, ये सब वैरायटियां हैं। ड्रेसिना की वैरायटियां इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और शेडेड एरिया में भी आसानी से ग्रो हो जाती हैं, पर हम इनको पूरे दिन की धूप वाली जगह पर न रखें क्योंकि इनकी लीफ और टिप्स बर्न होने लगती हैं। ड्रेसिना के प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट न हो, सिर्फ ब्राइट लाइट ही आती हो, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट की लीफ देखिए कितनी ब्यूटीफुल और वेरीगेटेड होती हैं। ड्रेसिना प्लांट बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लांट भी नहीं होते हैं, ये नॉर्मल ग्रो होने वाले प्लांट हैं। बात करें इसकी प्रोपेगेशन की, तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप 8 से 10 इंच की कटिंग लगा देंगे, वह भी आसानी से ग्रो हो जाएगी, या फिर बड़ी ब्रांच लगाएं तो वह भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारे प्लांट बड़ी और छोटी कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन ही बनाएं, 60% गार्डन सॉइल लें और 25% कार्डन कंपोज या फिर वर्मी कंपोज, 10% सेंड, सबको मिलाकर आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। वैसे तो जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल हो उसमें भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं, कभी कभी ये ज़्यादा पुराने होने पर बहुत लैगी हो जाते हैं, तो इनकी लैगी ब्रांच को काट कर हम इन्हें बूसी लुक भी दे सकते हैं। जिस जगह से हम ब्रांच की कटिंग करते हैं उस जगह से इस प्लांट में 2 से 3 नई ब्रांच निकल जाती हैं और हमारा प्लांट बूसी हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ड्रेसिना प्लांट हमें गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कलर अवेलेबल रहते हैं। इस प्लांट पर कोई फंगल अटैक भी नहीं होता है, आप चाहें तो पानी से अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं और सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। साल में 1 या 2 बार इनको फर्टिलाइज़र करें तो इनके लिए काफ़ी रहता है। इसकी कटिंग में किसी तरह का एंटी फंगल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसकी कटिंग को 3 से 4 इंच ज़मीन के अंदर लगा दीजिए और जो हिस्सा कटिंग का आप मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं वहाँ से उसकी लीफ हटा दीजिए और 1 महीने के अंदर देखिए आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ड्रेसिना की कटिंग को लगाने के बाद उसको 15 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। वैसे तो हम कोई भी कटिंग लगाएं उसको शेडेड एरिया में ही रखना चाहिए। इन प्लांट में बेबी पप्स भी निकलते रहते हैं जिससे हम नए प्लांट बना सकते हैं। ड्रेसिना की कटिंग बारिश के मौसम में और फरवरी मार्च के मंथ में ज़्यादा जल्दी से ग्रो हो जाती हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें।
आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।